Hey guys, so welcome back to our channel Mad Dish. और आज फिर से हम करने वाले हैं एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज का एपिसोड नंबर 4, कर्णावती दाबेली। तो दोस्तों, ये कर्णावती दाबेली जो है मणिनगर में सिचुएटेड है, हीराबे टावर के सामने। और इनका और कोई आउटलेट नहीं है, मैंने फिर से अभी इनसे पूछकर कंफर्म किया है, एक ही आउटलेट है इनका। बाकी सब जो कर्णावती दाबेली है अहमदाबाद में, वो ये वाली नहीं है, वो ओरिजिनल यही है। अब ये जो दाबेली है, इसमें और सभी वैरायटी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस वाली जो है, इसके अंदर वो नॉर्मल दाबेली देते हैं, मतलब पाव थोड़ा कच्चा और उसके अंदर उनका मसाला तो दाबेली का आता है वो, तो ये उनकी स्पेशलिटी है। और ये दाबेली खाने का मजा भी और बहुत ज्यादा अलग है, तो उसके बारे में आपको अभी हम पहले जाएंगे, हम टेक अवे करेंगे दाबेली का, उसके बाद फिर से हम घर पे जाके, और एक इसकी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, वहां पे जाके खा के आपको रिव्यू देंगे उसका, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ कर्णावती दाबेली सेंटर, मणिनगर ना असली, सिंस 1991। तो मैंने यहाँ के फेमस जो नॉन फ्राई दाबेली होती है रेगुलर वाली, वो ऑर्डर किए। अभी यहाँ पे इतनी सारी लाइन है, दोपहर के 3 बजे संडे को अहमदाबाद की गर्मी, फिर भी इतनी लाइन है यहाँ पे। और ये हमारी दाबेली आ चुकी है और ये देखो ब्लॉगिंग का साइड इफेक्ट, एक सेकंड, ये देखो ब्लॉगिंग के साइड इफेक्ट, खुद वीडियो निकाल रहा है। हेलो मिल गई, फाइनली मिल गई। बहुत लाइन थी संडे को दोपहर को कर्णावती में, लाइन थी सीरियसली। और ये हमने ले लिया है पार्सल। ओवर ब्रिज है पूरा, और जैसे निशित ने बताया कि मैं मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं जिसका नाम है पूनम, हम दोनों साथ में जॉब करते थे, अब अभी दोनों ने जॉब छोड़ दिया और व्लॉगिंग चालू कर दिया है, तो उसके लिए हम कर्णावती की दाबेली लेके जा रहे हैं, और उसने कभी नहीं खाई, तो उसके साथ हम बातें करेंगे और उसके रिव्यू जानेंगे कि उसको कैसी लगी कर्णावती की दाबेली। हेलो, क्या हो बस मस्त है। हेलो ब्लॉगर घर पे, हेलो जो ये भी ब्लॉगर है, हम भी ब्लॉगर है, तो ये उनका शूटिंग कर रहे हैं, हम हमारा शूटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे टीवी देखते हुए, तो अभी हम पहुंच गए हैं पूनम के घर। ये उसके हस्बैंड धार्मिक, ये दिखाई नहीं दे रहे किधर गई है, ये धार्मिक और उसकी बेटी श्रीनिधि। हाय हाय श्रीनिधि, वो शर्मा रही है अभी, हम नए नए लग रहे हैं उसको। और यहाँ पे पूनम हमारे लिए चाय बना रही है। हेलो इलायची वाली चाय बना रही, इलायची स्पेशल, दो फ्लेवर साथ की चाय बना रही। और हमने ऑफिस में तो बहुत सारी चाय पी है एक साथ में, नहीं ये सब यादें ताजी हो जाएगी आज के आज, चाय पीते पीते सब यादें ताजा करेंगे। और कितने दिनों के बाद हम मिले, हम कब आए थे, जैसे वो एक सॉन्ग था ना, गणपत दारुला, तो हम बोलते नर्मद चल जाएगा, सही है। और यहाँ पे सब चिल्टर है, निशित धार्मिक और श्री।
ये देखो ये हमारी चाय रेडी है, कड़क मस्त, कड़क कड़क और मीठी मीठी। और ये कोई लड़का देखने आया हो ऐसे जो मुंह कर रही है। और यहाँ पे हमारी कर्नावती की दाबेली रेडी। राज में बता दूं, मैं और जिमी मेरा भाई जब भी ऐसा मैं अकेले घर पे रहते थे, कभी कभी मम्मी वहाँ बाहर जाते थे जब मेरी शादी नहीं होती, जब ऐसे मन के कुछ खाना है सीधा बाकी करना आता था दाबेली में, दाबेली खा के वापस आते थे या फिर घर पे ला के खाते थे। तो इतना ज़्यादा लगाव है हमारा इस कर्नावती दाबेली के साथ। और इसमें और इनका स्पेशल मसाला आता है, इनका जो स्पेशल जो मसाला आता है उसका मसाला का पैकेट भी वहाँ पे उनके शॉप पे मिलता है, कर्नावती दाबेली मसाला। अभी हम टेस्ट करेंगे इसको और इनसे आपका रिव्यू लेंगे, ठीक है ना? यस, ये लो। अभी पूनम बताएगी कैसा लगा। मस्त है, मतलब नॉर्मली हम जैसे दाबेली खाते हैं उससे बेटर लग रही है, बेटर लग रही है ना। मैंने बोला था कि अपने कर्नाटक की दाबेली बहुत ज्यादा खाई है, वो ये वाली थी कि अलग थी? वो शायद अलग थी, मतलब क्या है कि अभी नाम तो सब जगह कर्नावती कर्नावती बट ये ओरिजिनल वाली है तो डिफरेंस पता पड़ रहा है आपको भी, जब खाएंगे तभी डिफरेंस पता पड़ेगा। अभी मैं खाती हूँ, अभी माधवी के लिए। मसालों जो सॉस जो लगे ये बहुत मजा आती है कर्नावती की, और स्पेशली मणिनगर में मिलती है कई। और हाँ, ओरिजिनल वाली सिर्फ मणिनगर हीरा भाई टावर के सामने ही है, हीरा भाई टावर के सामने सामने। और ऐसी दाबेली सूरत में भी नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। अभी इनका रिव्यू लेंगे। आपको कैसा लगा? बस लगे हरी हरिजन बस तार दबाओ। अभी मैं खाऊंगा तो गाइस हम हमारा हाँ मैं आधी खा भी गई, आधी खा भी गई सौंधी बेली गई। हाँ अभी तक वीडियो रिकॉर्ड की जैसे मैंने आज मेरे आधी दबा गई। ये देखो पुनम ने। तो दोस्तों जैसे आप सब लोग देख पा रहे हैं, अभी हम माजी के फ्रेंड पुनम उसके घर पे और दाबेली और चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और ये कर्नावती दाबेली वाला व्लॉग जो हम एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज का जो एपिसोड है वो हम अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कर्नावती दाबेली अगर आपने टेस्ट नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई कैन अश्योर यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अहमदाबाद पे हो तो मणिनगर आकर ट्राई कीजिएगा, अगर स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल है तब उसमें से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप अहमदाबाद के नहीं हो, पहली बार अहमदाबाद आ रहे हो तो यहाँ पे आकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे मैंने बोला मणिनगर में हीरा भाई टावर के सामने, एक क्लिप में शायद वो उसका पूरा बोर्ड भी दिख जाता तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको फटाफट से मिल जाएगा, और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए बेल आइकन के साथ, ठीक है? तो ये वीडियो अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।